और रूस के खिलाफ यूक्रेन ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। 36 घंटे के सीजफायर के बीच यूक्रेन का अटैक, डोनबास लुहांस के साथ ज़ापोरिज़्या पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में 20 रूसी सैनिकों की मौत की खबर है। रूसी कब्जे वाले डोनबास लुहांस के साथ ज़ापोरिज़्या में हमले हो रहे हैं। टारगेट पर खेरसोन भी है। ये तमाम हमले रूस नहीं बल्कि यूक्रेन कर रहा है। 6 दिन के अंदर रूस पर यूक्रेन ने चौथा बड़ा हमला किया है। खेरसोन की कलंचकी में रूसी हमले पर बड़ा अटैक किया गया। रूसी कुछ घंटों के सीजफायर के ऐलान को पहले ही खारिज कर चुका है। यूक्रेन एक बार फिर से डोनबास रीजन को हासिल करने के लिए जद्दोजहद रूस कर रहा है। ज़ापोरिज़्या को फिर से हासिल करने के लिए रूसी फौज की घेराबंदी करने में जुटा है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूसी ठिकानों पर 4 मोर्टार दागे हैं। यूक्रेन ने इन हमलों से संदेश दिया है कि रूस की सीजफायर वाली चाल में फंसने वाला वो नहीं है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर कहर बरपाने का नया दावा किया है। यूक्रेनी हमले में 20 रूसी सैनिकों, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की मौत की खबर है। इस हमले में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने 36 घंटे के युद्ध विराम के दौरान रूसी सैन्य ठिकानों पर जमकर गोलाबारी की है। यूक्रेन का संदेश साफ है कि सीजफायर के नाम पर वो रूस को फिर से संगठित होने का मौका नहीं देना चाहता है। और यूक्रेन पर रूस लगातार बारूद बरसा रहा है। यूक्रेनी आर्टिलरी के ताबड़तोड़ प्रहार का वीडियो सेना ने जारी किया है। यूक्रेन जंग के मैदान से आए इस वीडियो में यूक्रेनी आर्मी रूसी सेना पर विध्वंसक अटैक करती दिख रही है। यूक्रेन हिमार से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेनी होवित्ज़र तोपें रूसी सेना पर कहर बरपा रही है। इस वीडियो में यूक्रेनी सेना की जबरदस्त फायर पावर दिख रही है। सैनिक उत्साह से लबरेज है। यूक्रेन की फायर पावर बर्फ के मैदान से लेकर खेत जंगल हर जगह नजर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग को 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो बारूद बरसना बंद हुआ, ना तोप गरजनी बंद हुई। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के अरमानों पर पानी फेरते हुए यूक्रेन जंग के मैदान में न केवल डटा हुआ है बल्कि रूस जैसे महाबली को गहरे जख्म भी दे रहा है। यूक्रेन अगर 10 महीने से रूस को टक्कर दे रहा है तो उसकी बड़ी वजह है अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियार, गोला बारूद और सैन्य इक्विपमेंट्स और यूक्रेनी सेना का हौसला। यूक्रेनी सैनिकों का जोश और जज्बा हाई रखने के लिए यूक्रेनी आर्मी वॉर जोन से ऐसे वीडियो जारी कर रही है जिसमें ज़ेलेंस्की आर्मी दुश्मन पर गोला बारूद बरसाती जश्न मनाती नजर आती है। यूक्रेनी आर्मी के इन प्रोपेगेंडा वीडियोस ने सैनिकों को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। एटमी वॉर की आशंका के बीच रूस ने अमेरिका और नाटो को बड़ी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस नाटो की तट पर जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेगा। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग 11वें महीने में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन को मिल रहे पश्चिमी समर्थन और नाटो के साथ ने जंग को इतना लंबा खींच दिया कि रूस के लिए अब ये जंग गले की हड्डी बन चुकी है। ऐसे में रह रहकर रूस अमेरिका और नाटो को धमकी देता रहा है। ताजा बयान रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से आया है जिसमें नाटो की तट पर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की धमकी दी गई है। मेदवेदेव ने अमेरिका और नाटो देश पर तंज कसते हुए कहा कि ये तैनाती दोनों के लिए तोहफा होगा। रूस पहले ही अटलांटिक में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। रूस की जिरकॉन मिसाइल 1000 किलोमीटर तक लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। मेदवेदेव ने कहा कि नाटो देशों के तटों के लिए जिरकॉन मिसाइलों के गोला बारूद के पैकेज रवाना कर दिए गए। जिरकॉन से लैस युद्धपोत समुद्र और जमीन पर दुश्मन के खिलाफ सटीक और शक्तिशाली हमले करने में सक्षम है। रूस ने दावा किया कि जिरकॉन और कैलिबर मिसाइलें वायु रक्षा प्रणालियों, टॉर्पीडो हथियारों और गोला बारूद से भरी हुई हैं, जो नाटो देश पर दबाव बनाने के लिए भेजी गई। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।